समाज कल्याण बोर्ड की पहली बैठक अध्यक्ष अर्चना शर्मा की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन में आयोजित हुई है। बैठक में सरकार की योजनाओं को आम जन तक आसानी से पहुंचाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा कि उनकी मंशा है कि सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ समाज के सभी तबकों को मिलना चाहिए। वहीं बैठक में शामिल हुई समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य रुक्षमणी कुमारी ने कहा कि सरकार की योजनाएं बहुत शानदार है, बस एक लिंक बनाने की जरूरत है जिससे जरूरतमंदों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। केंद्र सरकार ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत की मंशा है कि इस बोर्ड के जरिए सभी वर्गों का सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। देखिए, अमूमन हमारा यही मसला रहा है कि हम लोग समाज कल्याण से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं पूर्व में संचालित थी उन सबको पुनर्जीवित करें और उनको संचालन करें, इसके लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने कई नवाचार शुरू करने का मानस बनाया है और मैं मान करके चलती हूँ कि समाज के हर तबके को, चाहे वो महिला हो, बच्चा हो, समाज के बुजुर्ग हों, उन लोगों को जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम सेंटर्स का संचालन करें, रिहैबिलिटेशन का प्रयास करें, प्रोस्टिट्यूशन में जो लिप्त होती हैं बच्चियाँ उनको ला करके और उनको रोजगार से जोड़ने के साथ साथ उनका रिहैबिलिटेशन करें, इस ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। और हमारे जो समाज कल्याण बोर्ड है जिसको हमने पुनर्गठित किया राजस्थान सरकार ने, उसकी कार्यविधि क्या होगी उसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सरकार के समक्ष अनुरोध करेंगे। तो बहुत जो कार्य योजना उसको लेकर के और जो हमारी नवीन योजना उसके बारे में हम सब सदस्यों ने मिलकर के विचार विमर्श किया। मैं मानती हूँ कि सरकार के स्तर पर संपूर्ण सहयोग हमें मिलेगा। बहुत सारी सरकारी की ऐसी योजना है जो अवेयरनेस चाहती है, तो समाज कल्याण बोर्ड का आज जो मीटिंग थी, बहुत सारी योजनाएं हमने डिस्कस की, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में, बहुत सारी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हमें लिंक बिठाने की ज़रूरत है। समाज कल्याण बोर्ड बहुत ही आई थिंक जुझारू और एक अच्छा स्टेप है कि हमारे मुख्यमंत्री ने इसको, मुख्यमंत्री जी ने इसको, आपने देखा है कि सेंट्रल लेवल पे तो इसको रद्द किया गया है इस बोर्ड को, बट राजस्थान सरकार ने इसको रद्द नहीं किया क्योंकि वो चाहता है कि समाज में कल्याण हो, समाज के जितने भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं वो जनता तक पहुँचे और जनता का उसमें फ़ायदा हो सके।